Hi guys, I'm Adi, and in this video, we have been discussed why you should focus on consistency and not on progress. देखो, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना। मे बी इतने टाइम के अंदर करना है, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, ठीक है, मुझे ये अचीव करना है, या फिर 1 महीने के अंदर। तो उनको डिपेंड करता है, वो कुछ गोल सेट करते हैं या फिर वही डिसाइड करते हैं कि मुझे ये स्किल जो है मुझे इसे मास्टर करना है, राइट। बट वो उसमें फेल हो जाते हैं। और अगर तुम पैटर्न नोटिस करोगे, तुम गूगल पे जाओ, तुम रिसर्च करोगे, तुम्हें पता चलेगा दैट मेजोरिटी ऑफ जो ये लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, तुम भी कई बार बहुत सारी चीजें तुम स्टार्ट करते हो और तुम छोड़ देते हो। अगर तुम पैटर्न नोटिस करोगे, तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि जो मेजोरिटी जो है वो अपने इनिशियल फेजेस में उनको छोड़ देती है, उन काम को करना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो कोई काम 5 साल, 2 साल, 3 साल एकदम कर लो तो, और एंड में जाकर उसे छोड़ देते हैं, और उसका रीजन कोई बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि तुमने कोई काम करना स्टार्ट करा, तुमने अपना कोई गोल सेट करा उसको अचीव करने के लिए, बट तुमने इनिशियल फेजेस में उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों? देखो, इसका एक रीजन, एक या सबसे बड़ा रीजन वो ये है दैट यू वांट प्रोग्रेस, ठीक है, इन इनिशियल फेजेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस चीज को समझो। इनिशियल फेजेस में तुम चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो, तुम्हें प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। अगर वो दिखेगा भी तो वो बहुत इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट से मेरा मतलब ये है कि वो एकदम से आएगा और फिर उसके बाद चला जाएगा, मतलब एक तरीके का ग्राफ, ठीक है, कि एकदम से स्पाइक आया, फिर वो एकदम नीचे चला गया। ठीक है, बिगिनर्स लक जिसको बोलते हैं, वो गैम्बलिंग में एक टर्म है, बिगिनर्स लक, कि जब कोई बिगिनर गैम्बल करना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में जीतता है, उसका बिगिनर लक है। ठीक है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हारे बिगिनर लक की वजह से तुमको ऐसा लगे कि हाँ, ये काम मैं कर लूंगा, इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ये सब, बट जब एक बार वो बिगिनर लक खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब तुम्हारे लिए उस काम को कंटिन्यूसली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको प्रोग्रेस चाहिए, और वो जो प्रोग्रेस है वो इनिशियल फेजेस में नहीं आने वाली, चाहे तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो। देखो, क्योंकि होता क्या है, प्रोग्रेस इनिशियल फेजेस में वो होती तो है, ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर समथिंग, उसी मोमेंट से तुम्हारी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, बट वो प्रोग्रेस इतनी छोटी होती है, इतनी अननोटिसेबल होती है, और उसको देख के तुम्हें कोई भी प्लेजर नहीं मिलेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया। कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा कि भाई मतलब तू ये काम कर रहा है अच्छी, क्योंकि वो प्रोग्रेस समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा तुमने ये डिसाइड किया कि मुझे डेली क्या कहते हैं कि मुझे अगर मैं एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तुमने डिसाइड किया कि मुझे डेली मान लो 4 घंटा पढ़ना है, मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे डेली 4 घंटे पढ़ना है। तुम्हें स्टडी की हैबिट नहीं है, बट यू डिसाइडेड कि हाँ मेरे को पढ़ना है, राइट। तो तुम पढ़ने बैठे, तुम स्टडी करने बैठे, तुम सिर्फ बैठे और 1-2 मिनट के बाद तुमने छोड़ दिया। ठीक है, तुम अगले दिन दोबारा बैठे, तुमने 1-2 मिनट बैठे, फिर तुमने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब तुमसे नहीं हो रही है। और ऐसे ही करते करते अगर तुम उस टाइम को मेजर करोगे कि यार मैंने 4 घंटे बोला था बट मैं सिर्फ 1-2 मिनट बैठ रहा हूँ या 5 मिनट बैठ रहा हूँ, राइट, तो होगा क्या, तुम्हें ये लगेगा कि यार मैं अगर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाऊँ तो मैं 4 घंटे कैसे करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं छोड़ देता हूँ, मेरे बस का नहीं है, राइट। और यही थॉट प्रोसेस बहुत सारे लोगों के मन में आता है जब वो कोई काम स्टार्ट करते हैं और उनको इनिशियल फेज में प्रोग्रेस नहीं दिखता है कि यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मैं वो कैसे करूंगा। बट वो ये नहीं समझ रहे कि जो भी गोल तुमने डिसाइड करा है उसको अचीव करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कंसिस्टेंसी है, दैट यू आर शोइंग अप डेली, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं, ठीक। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी काम तुम्हें करना है, जो भी काम तुम्हें करना चाहिए वो तुम कर रहे हो,
अब उसमें प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है वो ओवर द टाइम तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जैसे मान लो मैं वही स्टडी वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, तुमने डिसाइड किया तुम 4 घंटे में पढ़ोगे, ठीक है, तुम 5 मिनट के बाद उठ जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम हर दिन 5 मिनट बैठोगे तो क्या कभी वो 5 मिनट भर के 15 मिनट नहीं होगा, कभी वो 15 मिनट भर कर 1 घंटा नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा, ठीक है, बट उस पर टाइम लगेगा। और वो टाइम और वो कब होगा? जब तुम डेली शो करोगे कि यार 5 मिनट नहीं, अगर तुम्हारा माइंड, अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है, अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस ये है कि यार मैं 5 मिनट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं 4 घंटे कैसे पढ़ूंगा, छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा मेरे से, अगर तुम्हारा माइंड सेट या फिर तुम्हारा थॉट प्रोसेस ये है, तो तुम कभी भी वो 4 घंटे वाला गोल अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तुम शो अप ही नहीं हो रहे हो, ठीक है। अरे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले टेबल पे बैठना पड़ेगा, अब तुम टेबल पे बैठना ही तुमने बंद कर दिया तो 4 घंटे तो बहुत, तो अब तुम 1 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम बुक ही नहीं खोल रहे हो, तो कैसे होगी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने इनिशियल फेजेस हैं उस काम को करना छोड़ देते हैं जो वो करना चाहते हैं या जो उन्हें करना चाहिए, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, या जो भी स्किल वो अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए प्रोग्रेस, एंड इनिशियल फेजेस में प्रोग्रेस बहुत कम होती है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि भाई प्रोग्रेस हो रहा है, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, जब तुम पीछे देखो कि भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, तुम्हें चीज रियलाइज होगी कि हाँ प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, लेकिन इनिशियल फेज में तुम्हें पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि तुम अभी जिस इनिशियल फेजेस में हो ना, तुम अपने आपको कंपेयर करो किसी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी तुमसे 3 4 साल आगे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं जिम का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, बॉडी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर तुमने जिम स्टार्ट करा है, ठीक है, और तुमको 2 महीने हुए हैं, और तुम्हें कह रहे हो कि यार 2 महीने तो बहुत कम हो गया, मान लो तुम्हें 6 महीने हो गए, ठीक है, और 6 महीने में तुम्हें कह रहे हो कि यार मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, मेरी बॉडी बन नहीं रही है, और उस बंदे को देख भाई, वो जो बंदा है वो पिछले 4 साल से जिम कर रहा है, वो ऑलरेडी तेरे से बहुत आगे, ठीक है, और तू 6 महीने बाद कह रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं जिम छोड़ दे रहा हूँ, तो कैसे होगा? तब तो फिर कभी नहीं बनेगी बॉडी। हो सकता है अगर तू 6 महीने जा रहा है, और 6 महीने जाने के बाद मान ली तू 2 साल और जाता या 4 साल और जाता, तो मे भी तेरी बॉडी बन जाती है। डिपेंड करता है तेरी डिसिप्लिन के ऊपर, तेरा ट्रेनिंग एथिक के ऊपर, तेरा डाइट, वो सब एक अलग चीज है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी काम तुझे करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए। अब भले ही उस प्रोसेस में तेरे को प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैटर नहीं करता है। और स्टार्टिंग में तुम कोई भी काम करोगे वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, उसमें बहुत सारी गलतियां होगी, ठीक है। अब इसका एक लोग पूछते हैं कि यार अगर मैं कोई काम स्टार्ट कर लो, ठीक है, चाहे वो मेरा जिम हो या मेरे एकेडमिक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को नहीं चीज समझ नहीं आ रही, या फिर मेरे से ना गलती हो रही है, मैं उसको कैसे सुधारूं? उसको सुधारने का सिंपल सा तरीका है कि भाई जो भी गलती हुई है उसको समझो उसको, और अगली बार जो तुम करोगे, जो काम जो भी तुम्हें करना है वो काम करो, उसको मत करना। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे कि भाई मेरे से आज गलती हुई है लेकिन मैं कल भी करूंगा ये काम, और जो गलती हुई है मैं उसको कल रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तुमने एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, हो सकता है 5वीं बार में तुम्हें समझ आ गई कि यार मेरी ना प्रॉब्लम ये है, इस गलती की वजह से ना मैं ये काम नहीं कर पा रहा, तो मैंने इसको बंद कर देता, इसको सुधार लेते, तुमने उसको सुधार लिया, अब तुम्हें समझ आएगा कि यार ये तो सुधार लिया मैंने, लेकिन अब मेरी गलती कोई और है, अब मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। अब तुमने उस मिस्टेक को समझा, तुमने दोबारा एक बार करा, 2 बार करा, 3, अब वो नहीं हो, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें धीरे धीरे अपनी मिस्टेक समझ आने लग जाएगी, और तुम उसको सुधारने में तुम्हें टाइम भी लगेगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके सारी मिस्टेक सुधर जाएगी, और जो भी स्किल तुम अचीव करना चाहते हो तुम उसे मास्टरी भी हासिल कर लोगे। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, कि दैट यू आर शोइंग अप डेली। इट डजेंट मैटर कि तुम हमेशा अपना 100% दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, देखो इस चीज को समझो, तुम हमेशा 100% नहीं दे सकते। ये जो एक पूरा इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन और ये सब चलता है दैट कि हमेशा अपना 100% देना चाहिए और ये सब, वो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें अपना 100% देना चाहिए, सच बात है, बट तुम डेली अपना 100% नहीं दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, कभी हो सकता है तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो, कभी हो सकता है तुम्हारा दिन थोड़ा अच्छा ना हो, कभी कोई और फैक्टर हो सकता है, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जो तुम्हारे रीच से बाहर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो तुम्हें अफेक्ट करे, ठीक है। तो हर बार 100% देना इट इज नॉट पॉसिबल, बट वॉट इज इन योर हैंड दैट यू आर शोइंग अप डेली, कि यार मैं 100% दू या 40% दू, बट जो काम मुझे करना है, ठीक है, जो काम मेरे लिए नेसेसरी है वो काम मैं करूंगा। अब भले ही उसमें 100% मैं अपना दू या 40% दू, भले ही उसमें कि प्रोग्रेस अभी हो या थोड़ी देर बाद हो, या थोड़ी दिनों बाद हो, थोड़े महीने बाद हो, बट मैं जो काम करना है वो करना है,